जितने लोग हैं इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उदय निधि स्टेलिन के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। क्या ये लोग कसम खा लिए हैं कि हम सनातन धर्म को समाप्त करके ही छोड़ेंगे? आपके साथ सचिन तिवारी। बीते दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने एक सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया था। देखिए उनके इस बयानों पे पलटवार करते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी खूब भड़क गए महागठबंधन की सरकार पे और इंडिया गठबंधन पे, और साफ साफ कह रहे हैं कि ये घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। देखिए तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। में जितने लोग हैं इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं, उदय निधि स्टेलिन के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। क्या ये लोग कसम खा लिए हैं कि हम सनातन धर्म को समाप्त करके ही छोड़ेंगे? कल तक तो जेडीयू के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रश्न उठा रहे थे कि 19 तारीख को देश में गणेश चतुर्थी है, उसके उपलक्ष्य में कैसे पार्लियामेंट खुल सकता है। लेकिन सनातन धर्म को खत्म करने वाला बयान यदि स्टेलिन के माध्यम से आया तो क्या घमंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? यह स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए, लालू प्रसाद जी को बताना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि उनका पक्ष क्या है। वो सनातन विरोधी है या सनातन के पक्ष में है, या सनातन को समाप्त करने वाले जो पार्टी है उसके साथ खड़े हैं? तो यह स्पष्ट तौर पर घमंडिया गठबंधन के लोगों को बताना चाहिए। स्टेलिन के बातों से सहमत है कि नहीं सहमत है? दूसरी बात, बिहार में जनता दल यू लगातार यह प्रोगंडा फैलाने का प्रयास कर रही है कि जातीय सर्वेक्षण का विरोध कुछ पार्टियां कर रही है। मैं जानना चाहता हूं नीतीश कुमार की पार्टी से, आप कब सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी कर रहे हैं नीतीश बाबू? कि सिर्फ लोगों को गुमराह करना ही आपका धर्म है? तो अभी आपने देखा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी से भी सवाल किया है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार और लालू यादव बताएं कि वो लोग सनातन धर्म के समाप्त करने वाले लोग के साथ हैं या सनातन धर्म के साथ हैं। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहें हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।